प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम का एक सुंदर सुयोग ये भी है कि बीच बीच में आपको कुछ ध्वनि सुनाई देगी जो संकीर्तन की है, और यहीं पड़ोस में एक धर्मस्थल है, वहाँ से ये ध्वनि आ रही है। और तो बीच बीच में इसको भी सुनते रहिएगा। अच्छा सुयोग है कि सनातन परंपरा और सनातन चिंतन दर्शन से जुड़े एक कार्यक्रम के बीच में कुछ इस तरह की ध्वनि भी सुनाई दे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बड़ा महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार ऐसे पल और ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई भी हमारा नहीं रहा। 70 के दशक की वो चर्चित फिल्म थी उपकार, इसका एक गीत आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। लेकिन जब भी हम ये कहते हैं कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, तो हमारी उंगली दूसरों की तरफ ही ज्यादा उठती है। इसके लिए हम ये नहीं कहते कि मैं जिम्मेदार, हम कहते हैं सामने वाला जिम्मेदार था, हमने तो खूब प्यार किया उन्होंने नहीं किया। इसी भाव भूमि पर एक प्रश्न क्या पीड़ा कहूंगा मैं, प्रश्न नहीं है, जब उसको छोटी सी उस पंक्ति को मैंने मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से उस संदेश को पढ़ा तो मेरा अंतस भी हिल गया। मध्य प्रदेश से ही एक दर्शक ने हमें भेजा, वो भेजा क्या, जैसे उन्होंने अपने मन की पीड़ा सूचना के माध्यम से हमें भेजी कि शरद जी अपने सारे रूठ गए हैं, अब मैं क्या करूं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके आसपास के सामाजिक परिवेश में रहने वाले संबंधी परिचित सबसे अनायास ही आपका संबंध किन्हीं किन्हीं कारण से भी कट सा जाता है। आप या तो किसी बड़े दोष के आरोपी मान लिए जाते हैं और लोग आपसे बचना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तौर पर आपके मन में ये बात बैठ जाती है, या आप खुद ही अपने को प्रज्ञा अपराधी जैसा व्यक्तित्व तो मानकर सबसे कट जाते हैं। जीवन में जब ऐसे मौके आए, ईश्वर न करे किसी के जीवन में आए, तो कैसे हम ये माने कि मुख्य धारा में कैसे वापसी करनी है। अगर कोई रूठ भी गया है और कोई नहीं, यहां तो आप कहे कि सभी रूठ गए हैं, तो जीवन की तरफ हम किस आसक्ति भाव से देखें और जो रूठ गए हैं उनको भी मनाएं और अपने चित्त को भी स्वस्थ रखें, ये कैसे समझें। ये प्रश्न मैं फिर नहीं कहूँगा, ये विषय बहुत गूढ़ है और उतना ही दिमाग को आंदोलित करने वाला भी है। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, विशेषज्ञ हैं भगवद गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। गोस्वामी जी प्रणाम कर रहा हूँ और विषय आपके सामने है। जब मैंने भी पढ़ा उस संदेश को कि शरद जी अपने सारे रूठ गए हैं, मैं क्या करूँ, मैं भी पीड़ा से भरा जी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि यथार्थ हमारे बड़े देर से समझ में आती है, हम उसके लिए विस्मृत रहते हैं जी। जैसे गणित पढ़ते समय छोटे बच्चे को पहाड़ा याद करने में बड़ी कठिनाई होती है, वो रटते रहता है पहाड़ा, कई बार रटते रटते नींद लग जाती है और अचानक एक सुबह ऐसी आती है जब उसकी नींद खुलती है और उसको लगता है अरे उसे तो इसका पहाड़ा याद हो गया। हाँ। तो उसको लगता है ये तो बड़ा सरल था, याद सरल हो गया, इतने दिन से मैं समझ नहीं पा रहा था इस चीज को। वैसे ही जीवन में रूठना जो है उसको हमने एक अनावश्यक रूप से क्लिष्ट बना दिया है, हमें ये भ्रम रहता है कि जीवन में हमारे कोई नहीं रूठा है, जबकि वास्तविकता ये है कि जीवन में हर कोई रूठा हुआ है आपसे, लेकिन आप झूठे रहते हैं अर्थात आप भ्रम में रहते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा
ये भी मुझसे खुश है, ये भी मुझसे खुश है, कौन नहीं रूठा है आपसे जीवन में? बड़ी बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। कौन नहीं रूठता है आपसे, क्योंकि ये तो विषय रस का सागर है ना, विषय रस के सागर में लहरें ना आए, ऐसा आप कह रहे हो कि लहर उठ नहीं रही है। लहर उठने और लहर वापस लौट जाने में क्या अंतर पड़ता है सागर को? तो रूठना तो लहर की तरह है, विषय की जब लहर आती है तो रूठ गए, विषय की लहर वापस चली जाती है तो छूट गए। तो रूठना और छूटना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। साहेब कबीर तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। साहेब कबीर पहले कहते हैं, सबसे पहले बता देते हैं कि क्यों रूठते हैं, क्योंकि लूटते हैं, लुटते हैं, इसलिए रूठते हैं। लूटते हैं, लुटते हैं, इसलिए रूठते हैं। आप पहले बात समझिए, साहेब कबीर लिखते हैं, कोनो ठगवा नगरिया लूटलो। ये जो ठगनी माया है, ये इस नगरी में लूट रही है, हमें लूट रही है। क्यों? हमारी मना स्थिति लूट गई, हमारी बुद्धि लूट गई, हमारा ध्यान लूट गया, हमारा काम लूट गया। हम तो लूटे ही जा रहे हैं ना रोजीना, फंसे हुए हैं सारी प्रक्रियाओं में। कौन आपका अपना है? क्या भ्रम पाल रखा है? उड़ के जाना है हंस को अकेले, लेकिन इतने समुदाय को देख रहे हो, तुम मेरे साथ उड़ रहे हो कि नहीं, तुम मेरे साथ उड़ रहे हो कि नहीं। और जो नहीं उड़ रहा है, आपने कहा वो रूठ गया है, क्यों रूठेगा? नहीं उड़ना है उसे, आप उड़िए ना, हंस अकेला जाना रहे। तो वो कहते हैं कोनो ठगवा, ये ठग विद्या है जिसके कारण आपको रूठना दिख रहा है। ठगेली दुनिया है भाई, माया की दुनिया है। यहाँ लहरें आएंगी विश्वत जीवन में, तो वो कहते हैं कोनो ठगवा नगरिया लूटल। फिर वो एक सुंदर बात कहते, उठो री सखी मोरी मांग संवारो। सखियों से कह रहे हैं उठो भैया मेरी मांग संवारो, दूल्हा मोह से रूठल हो। अरे आप तो इस संसार के रूठने की बात कह रहे हैं, जिस दिन वो रूठता है दूल्हा, तब तो मिलता है आपको। ध्यान रखिएगा, जीवन सागर में एक बड़ा विचित्र घनत्व है, उलटवासी है, समझने का प्रयत्न करिए। दूल्हा रूठ जाए तो बारात नहीं लगाएगा ना, लेकिन ये दूल्हा रूठता है तब बारात आती है, ये दूल्हा रूठता है तब इस दुल्हन को लेने आता है। कौन दूल्हा रूठता है? काल रूपी दूल्हा रूठता है तब आता है तुम्हारे पास। तो आपको तो जीवन में सब रूठते हैं, आप तो एक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, अवतारी पुरुष के जीवन में कौन नहीं रूठा? कृष्ण से उनके अपने रूठ गए, मामा रूठ गए, कृष्ण से मामा रूठ गए, फुफेरा भाई रूठ गया, रिश्तेदार नातेदार संगी साथी रूठ गए, कौरव रूठ गए, सारे लोग रूठते हैं। रूठने का अर्थ होता है आपसे सहमत ना होना, रूठने का अर्थ होता है आपसे सहमत ना होना। अगर आप भाग्यशाली हैं तो सकारात्मकता से रूठने वाले लोग आपके शुभ चिंतक हो जाएंगे, अगर आप भाग्यशाली हैं। पिताजी रूठ जाएं, रूठना शब्द का उपयोग तो मूलतः छोटों के लिए किया जाता है। नाराज होने और रूठने में अंतर है, जो बड़ा होता है उससे छोटा रूठ जाता है। लेकिन अगर रिश्तेदार नातेदार रूठ गए हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि उन्होंने अपना बड़प्पन त्याग दिया है, वो छोटेपन में आ गए हैं और आप बड़े हो गए हैं इसलिए आपसे वो रूठ गए। रूठने वाला हमेशा छोटा होता है। वाह, जिसमें बड़प्पन होता है वो नहीं रूठता। वाह, बड़े नहीं रूठ, बड़े ना बोले, घट बचन घट बोले घट बोल, छोटा बच्चा रूठ नहीं जाता आपसे, छुपके जो रोने लगता, नहीं हमको जब तक लाली पॉप नहीं दोगे हम नहीं आपके साथ चलेंगे, रूठ गया है, नाराज नहीं हुए आपसे। तो अगर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं तो कोई ज्ञानी, कोई सत्संगी, कोई सुमार्ग वाला व्यक्ति अगर आपसे रूठ जाए तो आप समझ लीजिए फिर आप संकट में हैं। लेकिन कोई विषय विषरस में डूब करके रूठ गया है तो परवाह नसीब, कहके भी तो रूठ गई, कोप भवन में जाकर बैठ गई, राम से रूठ गई, राम तो पुत्र है, रूठना तो राम को चाहिए था, लेकिन कहके ही रूठ गई, कहके ही रूठ गई। आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है भाई। ये जो रूठ कपन है, था जहां लगा हुआ है, ठगवा है यहां, यही माया ठगनी है। तो आप इसमें दो सिद्धांत बनाइए। सबसे पहले आत्मावलोकन करिए, यदि रूठों को मनाने का क्रम तो हमेशा करते रहिए, क्योंकि जैसे ही आपने मनाने का क्रम किया वैसे ही आप बड़े हो गए। ध्यान रखिए, एक परिवार में बड़ा सौभाग्य था कि
क्योंकि वहां की ग्रह लक्ष्मी बड़ी सतोगुणी थी जी। इन शब्दों को पहले मैं आपके शब्दों में परिवर्तित कर दूं जी। एक परिवार में बड़ा आनंद था क्योंकि उसकी धर्म पत्नी जो है परम धर्मावलंबी थी, परम ग्रह लक्ष्मी जो है सतोगुणी थी, परम धर्मावलंबी थी। अब उस परिवार में जो बड़ा भाई था लंपट कपटी स्वार्थी लोलुप लोभी सारे अवगुणों से ग्रस्त था, जमीन जायदाद पिताजी की सारी प्रक्रियाएं सब छीन लेता था छोटे भाइयों से। तो छोटा भाई जो है उसने कहा ये ठीक नहीं, मुझे बात नहीं करना है बड़े भाई से। लेकिन जैसे ही व्रत त्योहार का अवसर आता था बड़े भाई भी कहते थे बात नहीं करना है, अब उनने सब ले लिया अपना रखा है। तो जैसे ही व्रत त्योहार का अवसर आता था वो कहते थे सुनो ना भाई साहब को प्रणाम तो करो चरण वंदन तो करो। वो बोलते थे क्या करना, बड़ा भाई तो पिता की तरह होता है, उनमें तो पिता के कोई गुण नहीं है, वो तो मुझसे धन लेते हैं मेरा यश चुराते हैं, ऐसा कौन सा बड़ा भाई है जो द्वेष रखता है। लेकिन उनने कहा नहीं नहीं वो छोटे हो गए हैं तो आपको बड़प्पन जागृत करना पड़ेगा ना, उनमें द्वेष आ गया है तो आप तो प्रेम की नदियां सब सरिता प्रवाहित करिए ना, उनको प्रणाम करिए। तो छोटा भाई जो है अक्सर प्रणाम करके हालचाल पूछने का काम करता था, उसका ये क्रम कभी खत्म नहीं हुआ। और हुआ ये कि रूठने वाले लूट लिए गए और मराने वाले बड़प्पन वाले थे, उनके जीवन में ऊर्ध्वगामी विकास होता चला गया। वाह, तो आप इस बात पर क्यों चिंतन करते हैं कि कौन रूठ रहे हैं? हाँ, कोई ज्ञानी तो नहीं रूठा है, कोई संत तो नहीं रूठा है, किसी सहज व्यक्ति को किसी अच्छे व्यक्ति को तो आपने कहीं रूठा नहीं दिया, अपने आप से नाराज तो नहीं कर दिया। संत रूठ जाए तो समझ लेना आपके जीवन में कष्ट आने वाला है, लेकिन असंत रूठ जाए तो आप परवाह मत कीजिए, मिलत एक दारुण दुख दीना बिछड़त एक प्राण हर लीना। तो ऐसे कोई रूठ जाए तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो भागवत जी में एक बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है जी, जो लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, भागवत का नाम ज्ञान यज्ञ है। तो जब ज्ञान यज्ञ पर हम संभाषण कर रहे थे तो उसमें हमने एक बड़ी उसके महात्म्य में एक बड़ा विचित्र तथ्य देखा, वहाँ निमंत्रण का स्वरूप भी बना हुआ है कि आप कैसा निमंत्रण दीजिए। उसमें कहिए परमात्मा मेरे घर आ रहे हैं, तो जब परमात्मा मेरे घर आ रहे हैं तो मेरा घर तो वृंदावन हो गया ना। सही, तो परमात्मा आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, सारी आत्माओं को आमंत्रित करूं। और आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती, आत्मा केवल सतोगुणी और आनंद का प्रतीक होती है। तो वो कहते हैं बंधु मित्र इष्टजन शत्रु को भी आमंत्रण देने जाइए, जो आपके प्रति द्वेष रखते हैं उनको भी आमंत्रण देना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो लोग रूठे हुए हैं वो दो भागों में बट गए हैं, एक भाग जो सतोगुणी है। अब आप कहेंगे कि सतोगुणी क्यों, अगर आप खुद ही निर्णायक बन गए और आप समझ रहे हैं कि मैं ऐसा हूं कि मेरे से सब रूठ जाते हैं, तो जब सारे रंग आपको गड़बड़ दिखने लगे तो आप समझ लीजिए सबसे पहले अपना चश्मा बदलिए, दृष्टि दृश्य और दर्शन तीनों पर आप चिंतन करिए। ठीक बात है, कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपकी विचारधारा कैसी चल रही है, कहीं आप हठी तो नहीं है, कहीं आप क्रोधी तो नहीं है, कहीं आप द्वेषी तो नहीं है, कहीं आपके बोलने के संभाषण में मधुरता तो नहीं चली गई है, आपका आचार विचार और व्यवहार निर्मल है कि नहीं, आपको झुकने में तकलीफ तो नहीं होती, आपकी मेरुदंड जो है लोचपूर्ण है कि नहीं है, जहां तनी रहनी चाहिए वहां कभी तनी नहीं रहती, वहां हाथ पैर जोड़े खड़े रहते हैं आप, जहां स्वाभिमान जागृत करना है वहां तो आप बिछ जाते हैं, और जहां बिछना है वहां पर अहंकार में अड़े रहते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आप ऐसा मत करिए, अगर आपसे सब लोग रूठ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हाँ भाई मैं ही दोषी होऊंगा, मुझमें ही कमी रही होगी, तो इस कमी को कहां से देखिए, आप इसका आत्मचिंतन करिए अपनी पत्नी पुत्र परिवार के साथ। सबसे पहले अपनी सहचरणी को देखिए जीवन में, क्या वो आपके व्यवहार से संतुष्ट है, कलह तो नहीं होती आपके यहाँ, बच्चों में बातचीत आत्मीयता के साथ है कि नहीं है, अपने छोड़िए पड़ोसी आपके प्रति क्या भाव रखते हैं आप देखिए। ध्यान रखिएगा जो निर्मल मन का होता है ना उसके पीठ पीछे भी आलोचना नहीं होती। सही बात, निर्मल व्यक्ति के संबंध में आलोचना सामने होगी, पीठ पीछे नहीं होगी। आप अपने स्वरूप का भी तो चिंतन करिए, और दुखी क्यों हो गए, एक दिन मृत्यु रूठ जाएगी आपसे। मृत्यु के रूठने शब्द में कितना आनंद, देखो मृत्यु जब रूठ जाती है तब आती है। क्या बात है, आपने पहले भी कहा काल जब रूठ जाता है तब आता है,
दूल्हा वही है। राम ने कभी कैकेयी के रूठने पर चिंतन नहीं किया, कभी 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 नहीं। भरत को इस बात की अनुभूति कभी नहीं हुई कि लक्ष्मण उनसे रूठ गए थे, इसकी अनुभूति भी नहीं हुई भरत को। रूठना तो वो है जिसको आप उस विषय विष को आप कंठ में धारण करके नीलकंठ की तरह हो जाइए ना, क्यों उदर में ले रहे हैं इन चीजों को, आप ना दिमाग में लीजिए ना दिल में लीजिए। हमारे यहाँ पुरानी बात कहा, एक कहावत थी, एक गांवड़ी कहावत है साहब बुंदेलखंड में हमारे यहाँ, गंवार की गारी हंस के टारी। गंवार की गारी हंस के टारी। तो आप तो जो है क्यों इन चीजों में पड़े हुए हैं, आप इस बात पर शोक कर रहे हैं कि आपसे कोई रूठ रहा है करके, आपके पास इतना फुर्सत का समय है कि आप देख पा रहे हैं कि कोई रूठ रहा है, इसका मतलब ये आप अकेले नहीं चल पाते, आपको संबल की जरूरत होती है, आप कमजोर हैं, चलते रहो ना। और बल्कि देखो किसी को उठाना हो तो फिर पीछे पलटो, ठीक बात। अगर आप मुखिया हैं और सब आपसे रूठे हुए हैं, इसका अर्थ ये कि आप सकारात्मक नहीं है। समझिए साहब, खुद को विद्वान तो हर आदमी समझ लेता है, अहंकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता, कटुवचन, ये सारे लक्षण आपको रूठने और मनाने की प्रक्रिया में डाल देते हैं। इनसे विरक्त रहिए। क्या बात, आप इसका आत्मचिंतन करिए कि कहीं अहंकार तो नहीं आ गया है। आप ये टेढ़े हाथ करके चल रहे हैं, दो डायलॉग बोल दिया, दो अपशब्द बोल दिए, दो चीजें बोल दी, ऐसा नहीं करिए। एक तो आप आत्मचिंतन करिए, दूसरा ध्यान रखिए संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं। अरे संसार रूठा हुआ है, आप भोग के लिए आए हैं यहां श्रीमान जी, भोग के लिए। तो जब तक भोग निश्चित है एक पल भी कम ज्यादा नहीं होगा, यही रहेंगे रूठेले रूठेले लोग, यही रहेंगे। आपकी बात से एक बहुत सुंदर सिरा मुझे ये समझ में आया कि किन चीज़ों से रूठना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बड़ा सहज भाव से कह दूं जी, रूठने वाला व्यक्ति छोटा होता है। सही कहा, तो आप तय कर लिए कि आपको छोटा होना है क्या, किन चीजों से नहीं। आप ये देखिए कि आप रूठते तो नहीं है, आप मत रूठिए। रूठने का सुख उन्हें लीजिए जो छुटपन में है। कितनी सुंदर व्याख्या है, आप देखिए रूठना यानी छोटा होना, नाराज होना अलग बात है, लेकिन रूठना यानी छोटा हो जाना। और इसीलिए रूठने से कहा गया है कि बचिए, शादी में जीजा जी रूठ जाते हैं क्षमा सहित, शादियों का समय चल रहा है, लेकिन जितने भी ऐसे लोग रूठते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से, बात सही है। मैं अब विचार कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की बात पर, तो मैं यही पा रहा हूँ कि जितने रूठने वाले हैं वो सम्माननीय क्षमा सहित नहीं होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं जी, रूठना जो है झूठना है, झूठ है, झूठ झूठ है, यथार्थ नहीं होता उसमें। आप तो आनंदित हो जाइए कि रूठे हैं, नाराज नहीं है। अच्छा मनाने का बड़ा आनंद है। आप देखिए एक छोटा बालक रूठ जाए, बिल्कुल सही। अब देखिए हमारा तो लल्ला रूठ गया, यशोदा मैया से चंद्रमा चाहिए मैया, चंद्र खिलौना ले, रूठ गया, क्या मनाने का आनंद है। आप क्यों नहीं आनंद लेते मनाने का, देखिए तो कोई रूठ के निकल रहा बोला, सुनो तो ऐसा देखते हुए निकल जाएगा, सुनेगा नहीं आपकी तरफ। आप खड़े हैं देख रहा है तो भी वो आपको उपेक्षा करते हुए यूं पीट करके निकल रहा है, रूठा हुआ छोटा हो गया वो, ठीक। अब आप मनाइए ना, उसके पास जाइए, पीठ पर हाथ रखिए, ये मुझे लगता है कि आप मैंने आपको कहीं नाराज कर दिया क्या, आप ठिठोली करिए ना, आप हल्के हो जाइए ना भाई। वो झूठा है, झूठ मूठ में, जिसको अपन खेल में कहते थे कि झूठ मूठ में, मन ही मन मनानंद देने के लिए वो निर्भर है। अध्यात्म तो रूठने में आनंद की अनुभूति करता है। आप सोचिए कितना अमर कृति के शब्द संरचना है रामलला के, कि मैया तुमने क्या वरदान मांग दिया, आहा ये तो आप मेरे से वास्तव में बहुत प्रेम करती है माँ, वो कैकेयी से कहते हैं। बोले क्यों प्रेम करती है, वो सोचने लगी कैकेयी आए ऐसा कह रही, कितना प्रेम करती है माँ आप मुझसे, आपने देखो तो मुझे जंगल का राजा बना दिया, वन का राज्य दे दिया, और मेरे परम प्रिय भरत को आपने जो है, जो मेरा परम प्रिय है प्राणों से ज्यादा प्रिय है, उसको अयोध्या का राजा बना दिया, कितना अच्छा कर दिया आपने माँ। ये देखिए ये मनाने की शैली है, ये मानने की शैली है,
और दूसरे अर्थों में और लें, सकारात्मक सोच में आ जाएं। जिनको ये भ्रम होता है कि आप उनको मानते हैं, वो आपसे रूठते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपसे रूठने वाले लोग हैं। आपने अभी नाम लिया, जीजा जी को, फूफा जी को, बहन को, इस बात का अभिमान है कि आप उनको चाहते हैं, मनाने आएंगे उनको, जाते हैं आप मनाने। आपके पास, मुझे लगता है इनके पास तो फुर्सत ही नहीं होना चाहिए, ये अकेले थोड़ी हुए हैं, इनको तो जाना चाहिए इस बहाने। अच्छा, जहाँ रूठे के मनाने पहुँचोगे ना, घर के सारे लोग आपका सत्कार अच्छा करेंगे। बात नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर के आएंगे, भाभी बोलेंगे अरे आ गए भैया आओ ना। और भाई साहब नाराज़ हो, अरे उनकी तो आदत ही है, लो आपका समय गुजर रहा है, बढ़िया आनंद लीजिए आप। देखिए, राई का पहाड़ बनाना और पहाड़ को राई बनाना, ये आप पर है। रूठना वही प्रक्रिया है, रूठने वाले ने राई को पहाड़ बना लिया है। आया था आपने, ठीक से बात नहीं की, अब आप पहाड़ को राई बनाओ ना, है तो वो राई, है तो वो राई ना। तो रूठना राई को पहाड़ बनने से होता है, तो आप उस पहाड़ को राई बना दीजिए, बस इतनी सी बात। तो देखिए कितना सुंदर विश्लेषण हमने सुना। कहीं कबीर भी कौंधे, कहीं प्रभु राम की मनोवृत्ति को भी हम यहाँ समझ पाए। और रूठना यानी छूटना, और रूठने वाला व्यक्ति छोटा ही होता है। तो पहले तो रूठना क्यों, रूठने से बचा जाए, और फिर भी अगर कोई रूठ रहा है तो आप भाग्यशाली हैं कि कोई आपसे रूठ रहा है। मैं आपको यहाँ टोकना चाहूँगा जी, रूठने से बचा नहीं जा सकता, वो अधिकार है सामने वाले का। तो अधिकार है ही उसका। मैंने आपसे पहले कहा, बड़े न बोले घट बचन, घट बोले घट बोल। छोटे होने का प्रेम भरा अधिकार आप उससे छीन नहीं सकते, छीन नहीं सकते। रूठना उसका अधिकार है, लेकिन रूठने और नाराज आप अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे, बिल्कुल मनाने के। ठीक बात। तो रूठे को, जैसा वो गीत है, रूठा है मना लेंगे, नाराज है मना लेंगे नहीं है, क्षुब्ध है मना लेंगे नहीं है, क्रोधी है, आवेग से भरा है, प्रतिशोध से भरा है तो भी मना लेंगे, वहाँ कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन रूठा है तो मना लें। रूठने वाले को मनाया जा सकता है, और ईश्वर करे कि संसार में हमारे प्रियजन हमसे रूठे ही, वो हमारे प्रति बैर से ना भरें, प्रतिशोध से ना भरें, नाराजगी से ना भरें। देखिए मैं आपको बताऊँ जी, अगर आपके आसपास रूठने वाले लोग हैं तो आप ठाठ में हैं। इतना प्रेम करने वाले लोग हैं भाई आपसे, इतना सारा, इतने सारे समग्र लोग आपके परिवेश में हैं। लेकिन आप देखिए एक बात और समझिए, रूठने वाला गलत होता है, इसलिए उसको मनाया जाता है, अर्थात उसको सन्मार्ग में लाने की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल आप ठीक। तो आप एक बात समझ लीजिए, ये दुखी होना छोड़ दें, इसलिए दुखी होना छोड़ दें कि ये सही है, ये सही है। तो जो लोग रूठ गए हैं उनको सही बनाने के लिए आपको केवल युक्ति लगानी है, जुगत लगानी है, जुगत लगानी है। और इसीलिए रूठी हुई भार्या यानी पत्नी को मनाया जा सकता है, रूठे हुए माता पिता भी कई बार छुटपन और बचपन में लौट जाते हैं कि तुम भूल गए यार, आज तो पेंशन का दिन था और तुम गाड़ी से ले जाते हो बैंक, तुम हम ना बात नहीं करेंगे यार, तुम पता नहीं कहाँ गुम हो। उन्हें भी आप मना सकते हो, एक आप बढ़िया उनके लिए धोती कुर्ता ले आते हैं और उनका पोपला मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है। माताजी को अगर कोई मिठाई पसंद है वो आप ले आते हैं, या उनकी पसंद की कोई साड़ी या शॉल ले आते हैं, माँ का चेहरा उनकी। तो रूठे को तो मनाया जा सकता है, और इसीलिए शादी में भी जब फूफा जी या जीजा जी रूठते हैं तो हम नाराज नहीं होते, हम खिन्न नहीं होते, अरे जीजा जी हम कर लेंगे, हम हंसते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि रूठना एक परंपरा भी है। तो रूठे को मनाया जा सकता है, और इसके जो दूसरे गूढ़ पक्ष हैं जिनको हम कम समझते हैं तो उनको समझिए कि रूठना एक सकारात्मक प्रक्रिया है। ये ध्यान रखिए कि आपसे जो लोग रूठे हैं वो आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, इसीलिए वो आपसे रूठ गए हैं। लेकिन रूठने के बाद क्या आप मनाने के लिए उनके पास गए हैं, ये प्रश्न आपके लिए है। क्या आप उनको मना कर फिर उनके रूठने को दूर करके आनंद की उसी परिधि में लौट आए हैं जैसा सब कुछ पहले था? क्योंकि दूसरी जो प्रतिक्रियाएं हैं, भावनात्मक क्रोध, नैराश्य, प्रतिशोध, वहाँ शायद कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, असंभव कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन रूठे को सबसे आसानी से मनाया जा सकता है, चाहे वो रूठा हुआ भाग्य हो या फिर रूठे हुए परिजन हो। बहुत आनंद आया तो स्वामी जी, बहुत ही आनंद आया।
और अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।